हेलो लर्नर्स, आज हम एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने पानी भरना है। तो पानी को कितनी हाइट तक उसमें भरा जाए सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड टू अ पर्सन हु व्यूज दिस वाटर फ्रॉम टॉप। तो ऊपर से एक ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको ये कंटेनर हाफ फिल्ड दिखे, उसको कितनी हाइट तक फिल करना चाहिए। अब इसमें जो डायरेक्ट हम जंप करते कंक्लूजन पे, सीधे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि पानी को डी डेप्थ तक मैंने फिल कर लिया। अब मुझे पता है कि जब भी मैं ऊपर से देखूंगा तो जो मुझे बॉटम है वो उतनी डेप्थ पे नहीं दिखाई देगा, तो उसकी अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, डी बाय म्यू। वाटर का म्यू कितना है, 4/3। तो एक्चुअल में मुझे डेप्थ कितनी दिखाई देगी पानी की, 3D/4। अब प्रॉब्लम को मैं यू करूंगा, मुझे जो दिखाई दे रहा है पानी कितना भरा हुआ, 3D/4, इतनी डेप्थ है, हाफ फिल्ड दिख रहा है। तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, कंटेनर की हाइट कितनी है, 21। तो 21/2, इतना हाइट मुझे दिखना चाहिए, इसी को मैं हाफ फिल्ड कहूंगा। तो मैं आंसर निकाल लूंगा, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3 × 21/2। तो फाइनली ये हो जाएगा 7 × 14 cm। ठीक है, और तुरंत मुझे ऑप्शन भी दिखेगा एक 14 cm का, मुझे लगेगा बस मेरा तो सही हो गया। बट एक मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो ऊपर से देख रहा है उसको हाफ फील्ड दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए, तो वो कैसे अंदाजा लगाएगा कि ये पानी आधा भरा हुआ है। तो अंदाजा सिर्फ जो एयर की डेप्थ है या एयर कॉलम की जो हाइट है उसको देख के ही लगाएगा। तो जितना एयर कॉलम का हाइट उसको दिख रहा है, अगर उतना पानी का हाइट भी दिखता है तभी तो कहेगा ना कि आधी भरा हुआ है, मेजरमेंट थोड़ी कर रहा है अलग से। वो क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो उसको हाफ फिल्ड दिखने के लिए कितना पानी भरना चाहिए। तो हाफ फिल्ड दिखने का मतलब जितना एयर कॉलम का हाइट दिख रहा है उतना ही उसको पानी की हाइट भी दिखनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये अगर तरीका अगर हम अपनाएंगे तो गलत आंसर आएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, तो देखो डी डेप्थ पे पानी भर लिया तो अपेरेंट डेप्थ मुझे कितनी दिखाई देगी, अभी जस्ट मैंने किया डी बाय म्यू, और ये अपेरेंट डेप्थ किसके बराबर होना चाहिए, एयर कॉलम की हाइट के बराबर। तभी मैं कहूँगा कि जितनी एयर है उतना ही वाटर है, और एयर कॉलम की हाइट कितना हो जाएगा, जो बची हुई हाइट है दैट इज 21 − d। अब म्यू की वैल्यू रख लो, 3/4 d = 21 − d। फाइनली ये हो जाएगा 7/4 d = 21। सो डी आ गया 12 cm। तो 12 cm इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना है। हमें जस्ट पूछा गया है कि हाफ फील्ड दिख रहा है, मतलब हमें एयर की कॉलम से कंपेयर करना है। थैंक यू।